महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैंस चार दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे, जहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल का भव्य स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया को संबोधित किया और अपने कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वो पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने यहां आए हैं, जहां वो 6 मई को चंदखुरी स्थित भव्य श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महाआरती में शामिल होंगे। 3 दिन के लिए रायपुर आया हूँ। कल चंदखुरी ग्राम, जो हमारा पुस्तैनी गांव है, वहाँ पर मंदिर का निर्माण किए हैं परिवार की तरफ से, उसमें प्रतिष्ठा है और इस कार्यक्रम के लिए ही मैं रायपुर आया हूँ। 8 तारीख को वापस मुंबई चला जाऊँगा। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महाराष्ट्र के राज्यपाल रायपुर के दौरे पर पहुंचे हैं, खुद इस बात की जानकारी उन्होंने दी। 3 से 4 दिन रायपुर में ही वो रहेंगे। सुरक्षा खास पहले से ही मौजूद रहती है राज्यपाल के साथ किसी भी राज्य के, लेकिन दौरे को देखते हुए छत्तीसगढ़ पुलिस की तरफ से, रायपुर पुलिस की तरफ से व्यवस्था दुरुस्त की गई है। 6 मई को कार्यक्रम में एक शामिल होंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैंस, जो कि रायपुर फिलहाल पहुंचे हैं। यहां पहुंचने पर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से उनका जोरदार स्वागत किया गया। फोन लाइन पर दीपक विश्वकर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या है पूरा कार्यक्रम महाराष्ट्र के राज्यपाल का, कब तक यहां पर रहेंगे? देखिए, 4 दिवसीय दौरा है और चंदखुरी में कौशल्या माता मंदिर के समीप भगवान राम का मंदिर बनाया गया, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है उसमें रमेश भाई शामिल होंगे कल। ये कहा जाता है जो उपज है उन्होंने उस जमीन को दान दिया था और वो मंदिर बनाया गया है। इस मंदिर को बनाया गया क्योंकि अब माता के बारे जो भगत में उनके बच्चे जो श्री राम है वो रहेंगे, तो उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसी कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद अपना जो घर है वहां वो रहेंगे। और सबसे रोचक बात ये है, ऐसे समय पर रमेश बैंस का रायपुर राजधानी आना हुआ जब एक नेता जो आदिवासी समाज से बिलोंग करता था और 40 साल जनसंघ के समाने से जिन्होंने छत्तीसगढ़ में नींव रखी, मध्य प्रदेश में तमाम बड़े पदों पर रहे, वो आदमी एकाएक राजनीति को छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गया। तो समझा जा सकता है 40 साल का साथ छोड़कर यदि कोई नेता चला गया और उसके बाद एक बड़ा नेता जो बड़े राज्य का राज्यपाल है और उसके साथ साथ राज्य है, तो 7 बार का सांसद है, उर्मी वोट बैंक है, ओबीसी समाज से आता है, उस बीच उनका आना, क्योंकि तमाम अटकलें ऐसी लगाई जा रही है कि जो सामाजिक जीवन है, जो राजनीति है, जो रूटीन की राजनीति, उसमें उनकी वापसी हो सकती है। जब उनसे सवाल किया गया कि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आप राजनीति में सक्रिय राजनीति में वापस आने आ रहे हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा ये गलत है और इससे मैं पूरी तरीके से दूर हूँ, राजनीति से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो समझा जा सकता है कि जब इस तरह का बयान आया है और जब इस तरह की बयानबाजी हुई है तो इससे ये समझा जा सकता है कि रमेश बैंस कहीं ना कहीं अब मौजूदा स्थिति में छत्तीसगढ़ की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं, इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि दिल्ली में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से जो मुलाकात हुई है उसका जो संदर्भ है, उसकी ये चर्चा है, इसके लिए ये बात की जा रही है कि कहीं ना कहीं वो छत्तीसगढ़ की राजनीति में एक्टिव हो सकते हैं। ओबीसी चेहरे की यदि बात की जाए, ओबीसी चेहरा कोई भी मौजूदा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सामने नहीं नजर आता। चलिए, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं दीपक, देखना होगा कि वाकई ऐसा होता है क्या। फिलहाल तो राजनीतिक पद से अलग संवैधानिक पद पर हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, दौरे के क्या मायने ये आपने समझाया, शुक्रिया आपका इस पर जानकारी के लिए।